हे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मुसैद की किचन में आपका वेलकम। तो आज हम लोग बनाएंगे हमारे सूजी का हलवा। बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी सा है। मुझे दुनिया का सबसे आसान हलवा यही लगता है, बिकॉज इसमें इतनी मेहनत नहीं होती और बिल्कुल झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी सा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए आप लोगों ने दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि जब भी आप हलवा बनाएं तो आप लोगों को शुगर और घी और जो सूजी का है ना क्वांटिटी, आप लोगों ने सेम रखना है। तो यहाँ पर हम लोग हाफ कप सूजी का हलवा बना रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर हाफ कप शुगर लिया है। और हाफ कप शुगर में हम लोगों ने चार गुना पानी डाला है, यानी कि हम लोगों ने दो कप पानी डाला है। फिर उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है। अगर इलायची नहीं है आपके पास तो आप मतलब इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायची डाल सकते हैं। फिर उसके बाद डाला है केसर। और आप लोगों ने ये जो शुगर सिरप बनाना है तो बस आप लोगों ने इतना ही पकाना है जितना कि आपका जो चीनी है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो बिल्कुल अच्छा से एक दो बॉयल में आकर वो जो चीनी है ना हमारा बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाता है और हमारा जो शुगर सिरप है ना बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो ये देखें, हमारा जो शुगर सिरप बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया। अब हम लोग यहाँ पर फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको कर देंगे साइड पर ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो अब हम लोग यहाँ पर अपना सूजी को भूनेंगे। तो इससे हम लोगों ने पहले घी डाला इसमें, तो घी हम लोगों ने 6 चम्मच डाला है, मतलब 6 टेबल स्पून डाला है, यानी कि हाफ कप में सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच कम। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लिया सूजी। सूजी जो है ना बिल्कुल एकदम बारीक दाने वाला इस्तेमाल करा है हम लोगों ने, ये भी बिल्कुल हाफ कप है। और इसको अच्छे से इसको हम लोगों ने लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से इसको सॉटे करना है, मतलब अच्छे से इसको इसकी भुनाई करनी है ताकि जो हमारा जो सूजी है ना अपना कलर हल्का सा चेंज कर दें। तो 5 से 6 मिनट लगे थे। आप ये आपकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि आपका सूजी कितना है, आप कितना हलवा बना रहे हो, तो उसके हिसाब से टाइम लगता है। तो हम लोग कम बना रहे थे इसलिए हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते या घटाते हो तो टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है। तो बस इसको अच्छे से आप लोगों ने सॉटे कर लेना है, मतलब अच्छे से इसकी भुनाई करनी है जो इसकी खुशबू आने लगती है। ये देखिए बिल्कुल हल्का सा ये कलर चेंज कर चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पर डालेंगे हमारे ड्राई नट्स, मतलब कि आपके पास जो भी अवेलेबल हो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। तो हमारे पास काजू थे, बादाम थे, हम लोगों ने उसको अच्छे से कट करके डाल दिया। फिर इसके बाद इस मौके पर आपने क्या करना है, आप लोगों ने करना है फ्लेम को बंद। जब आप शुगर सिरप ऐड करोगे ना आप लोगों ने फ्लेम को एकदम अच्छे से बंद कर देना है और तभी आप लोगों ने शुगर सिरप ऐड करना। बिल्कुल हल्का हल्का और थोड़ा थोड़ा करके डालें। एक ही बार में करेंगे ना तो ये जो इसके छींटे उड़ने लगते हैं तो आप थोड़ा मतलब आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है, जल वल सकते हो, तो बिल्कुल ध्यान रखते हैं। तो अच्छे से जब आप पूरा शुगर सिरप डाल दो और टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल सा हो जाए तब आप लोगों ने फ्लेम को ऑन कर देना। तो यहाँ पर हम लोगों ने फ्लेम को ऑन कर दिया और यहाँ पर मीडियम फ्लेम रखा है ताकि जो पानी है ना हल्का सा ड्राई सा हो जाए। फिर उसके मतलब एक बॉयल आ जाएगा अच्छा सा, तो फिर आप लोगों ने उसको वापस से नॉर्मल हम लोगों को लो फ्लेम पर कर देना है। तो ये बिल्कुल 2-3 मिनट में बिल्कुल इस तरह से हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर 1 चम्मच घी डाला है, यानी कि हम लोगों ने पूरा हाफ कप घी का इस्तेमाल नहीं करा, हम लोगों ने हाफ कप में बस 1 चम्मच घी का कम इस्तेमाल करा है। तो ये हमारे जो ज़बरदस्त सूजी का हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो हम लोग इसको करेंगे सर्व और ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त और मज़े का जो है ना हमारा सूजी का हलवा बिल्कुल तैयार हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हाँ ट्राई करते हैं तो फीडबैक लाजमी दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।